देख रहे हैं राष्ट्र की आवाज हिंदी न्यूज। नमस्कार, खबरों की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं सुजीत कुमार और आप देख रहे हैं राष्ट्र की आवाज। छठ पूजा को लेकर बाजारों में सूप, दौरा, सूपती, टोकरा, टोकरी आदि की बिक्री बढ़ गई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इन्हें बेचने वाले लगातार अपनी दुकानों के सामने ये सारी सामग्री लगाकर रखे हुए हैं। दूसरी ओर कहीं ना कहीं खरीदार इन सामग्री को खरीदने के लिए आते जाते और इनकी जांच पड़ताल करते दिख रहे हैं। आप तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि इतनी भारी मात्रा में टूप, सूप, दौरा, टोकरी आदि की बनावट के लिए ये लोग लगातार महीनों दिन से इसकी तैयारी करते आ रहे होते हैं। अब सवाल उठता है कि इनकी कीमत इन लोगों ने कितनी रखी होगी, ये हम जानेंगे इनके ही मुखवाणी से। भैया, क्या नाम हुआ आपका? हमें बताइए। हाँ बताइए ना। हमारे कारण का नाम। अच्छा, अभी छठ को लेकर के ये सारा सामग्री जो आप तैयार कर रहे हैं, तो इसका शुरुआत आप लोग कितने दिनों से करते हैं सारी तैयारी? सावन भादो से इसकी शुरुआत कर लेते हैं। अच्छा, अभी आपके पास जो बिकने वाला सामान में है क्या क्या चीज है? है और कुछ नहीं। अच्छा, इस छठ पूजा में सबसे ज्यादा बिक्री किस चीज की होती है? सूप की। और उसकी की? सूप, सूपती और उस सूप टोकरी की। अच्छा, सूप की कीमत क्या रखे होंगे आप? सूप की कीमत 80 रुपया, 90 रुपया, 100 रुपया, 120 रुपया। और टोकरी की कीमत? और एक अभी आप बोल रहे थे छोटा सा सूपती का कीमत 60 रुपया। अच्छा, इसके अलावा और किसी चीज की बिक्री हो जाती होगी क्या इस छठ में? वो छोटका डलिया है। और डलिया का कीमत? 60 रुपया। अच्छा, एक बात बताएंगे, लगातार आप मतलब कि इस पूरा परिवार मिलकर के इसके लिए तैयारी करते होंगे, भाई छठ आ रहा है, तैयार करेंगे तभी बेचेंगे। अच्छा, इतने में मतलब कि गुजारा बसारा हो सकता होगा क्या, जब जितनी जो सामान है? गुजारा होता है थोड़ू, कर्जा ऋण ले के बाद ना बना के रखते, उसके बाद कर्जा वाला को देते। यानी कुल मिला जुला करके जितना तैयारी होता होगा और जितना काम करते होंगे, पेट पूजा भर ही परिपूर्ण हो पाता होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या नाम हुआ भैया? मेरा नाम हुआ विजय मोदी। और कहाँ से आप आए हैं? ग्रामीण टाउन। अच्छा, एक बात बताएंगे आप, अभी आपके हाथ में एक बड़ा वाला टोकरा, उसकी क्या कीमत बताया गया है? इसको कीमत 170 रुपया बताया गया। और आप इसकी कीमत कितना उनको देना पसंद करेंगे? हाँ, पसंद करे 130 नहीं तो 40। अच्छा, यानी कि 30 रुपये का मार्जिन छोड़ करके आप उनको देंगे। हाँ। जी, आप अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम अजय मल्लिक। अच्छा, एक बात बताएंगे, छठ पर्व है और इसको लेकर के आप लोग जो सूप, सूपती, दौरा, टोकरा इन सभी चीजों को जो बिक्री करते हैं, ये कितने दिनों से आप लोग काम करना शुरू कर देते हैं इसके लिए? कम से कम 4 महीना पहले से। अच्छा, 4 महीना पहले से। अभी आपके पास जो जो सामग्री है, जैसे टोकरा, उसकी कीमत क्या होगी? सूप उसकी कीमत क्या होगी? सूप थी उसकी कीमत क्या होगी? बारी बारी से जरा सा आप हमको बता दें। देखिए, बड़ा वाला टोकरी होगा 160 रुपया करके बेचते हैं, छोटा वाला 130 रुपया करके बेचते हैं, सूपती जो है वही 50 रुपया, 60 रुपया करके बेचते हैं, सूप 120 रुपया करके बेचते हैं। इसके अलावा दौरा तो बहुत कम सेलिंग है, इधर नहीं चलता है दौरा। दौरा जो है ना, छठ पूजा में बनाए मगर बिक नहीं रहा है दौरा, इधर लेने के लिए कोई तैयार नहीं होता है दौरा, दोहरी वाला। अच्छा, आप लोगों को ऐसा भी ग्राहक मिल जाता होगा कि अगर उसकी कीमत आप बताते होंगे तो कहता होगा नहीं इतना कीमत तो नहीं है? नहीं, बोलता है इधर दौरा का दाम ज्यादा है। अच्छा, संस्थान खोजता है। अच्छा, एक बात बताइए, अगर 2-3 दिन में आप लोग बिक्री करते हैं तो क्या इससे आप लोगों का जो मार्जिन होता है वो परिपूर्ण हो पाता है क्या, 4 महीने का मेहनत? नहीं, मजदूरियों तक नहीं निकल पाता, तो पूंजी तो दूर के बात है, जितना पूंजी भी लगाते हैं तो ढंग से नहीं निकलता है, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन है वाला बहुत ज़्यादा है। अच्छा, मान करके चलिए कि मार्केट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, तो क्या आप अपने बाल बच्चों को भी ये सब चीज़ सिखाते हैं या फिर इससे फिर अलग हो आटा करके करना? बाल बच्चा को नहीं सिखा रहे हैं, यार काम से जो है ना कोई फायदा नहीं, इसलिए पढ़ाई लिखाई करवा रहे हैं अभी। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।